इम्तियाज जलील साहब जो बोल रहे हैं, तो उनको ये जान लेना चाहिए कि आरएसएस बैंड करो, ये सबसे पहली आवाज़ आज के दौर में ये प्रकाश अंबेडकर साहब ने उठाई है। मोहन भागवत को खुला चैलेंज देते हुए यही एक शेयर लीडर है जिन्होंने ये बोला है कि मनुस्मृति को पहले दहन करो, उसके बाद हमसे बात करो। बड़े स्टेटमेंट जिसको बोलेंगे, जिसके बड़े बड़े लीडर की हिम्मत नहीं होती बोलने की इनके खिलाफ, ये एक में वो लीडर है हमारे प्रकाश अंबेडकर साहब जो धमकी की चोट पे स्टेज की लाखों की जनसंख्या में बोलते हैं। तो ये कमिटमेंट पे पक्के रहने वाले लीडर है, ऐसे लीडर के पीछे ही हमको रहना है जो अपनी बात पत्थर की लकीर बना के करते हैं। ऐसे लीडर को अगर कोई बदनाम करता है और आरएसएस से या बीजेपी से जोड़ के बोलता है तो उनको शर्म आनी चाहिए। एवरीवन प्लीज फॉलो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द सम्यक क्रांति चैनल, थैंक यू। अभी इम्तियाज जलील जो MIM के महाराष्ट्र के जो नेता है, खासदार है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग बाला साहब के साथ नहीं जाना चाहते, उनके ऊपर हम लोग विश्वास नहीं करना चाहते क्योंकि उनके साथ हमेशा आरएसएस की लोग उनके साथ रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बाला साहब अम्बेडकर के साथ आरएसएस के लोग रहते हैं और वो उनके इशारे पे काम करते हैं, या फिर मुस्लिम समाज को बाला साहब के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ बाला साहब ने उनके काम में किया है, या आप क्या कहेंगे कि बाला साहब मुस्लिमों के लिए काम नहीं करते ऐसा ये दिखाना चाहते हैं, मतलब इसके ये कहने के पीछे क्या मकसद होगा उनका, और क्या आप युति कर रहे हैं MIM के साथ? युति किससे करना है, कब करना है, ये आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब डिसीजन लेंगे। पूरे इंडिया में किससे करना है, महाराष्ट्र में किससे करना है, पुणे शहर में किससे करना है, या कोई शहर में जिससे भी युति करना है, वो डिसीजन हमारे श्रद्धेय लीडर बाला साहेब अम्बेडकर वही लेंगे। रही बात आरएसएस के लोग या आरएसएस का साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ कितना है, ये आदरणीय इम्तियाज जलील साहब जो बोल रहे हैं, तो उनको ये जान लेना चाहिए कि आरएसएस बैंड करो, ये सबसे पहली आवाज़ आज के दौर में ये प्रकाश अंबेडकर साहब ने उठाई है। धर्मचक्र परिवर्तन दिन जो पिंपरी में जो मेला हुआ 5 तारीख को, उसमें मोहन भागवत को खुला चैलेंज देते हुए यही एक शेयर लीडर है जिन्होंने ये बोला है कि मनुस्मृति को पहले दहन करो, उसके बाद हमसे बात करो। अगर इस तरीके के जो स्टेटमेंट, बोल्ड स्टेटमेंट जिसको बोलेंगे, जिसके बड़े बड़े लीडर की हिम्मत नहीं होती बोलने की इनके खिलाफ, ये एक में वो लीडर है हमारे प्रकाश अंबेडकर साहब जो धमकी की चोट पे स्टेज की लाखों की जनसंख्या में बोलते हैं। तो ये उनके आसपास कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, या उनके बारे में जो लोगों का विचार है, ये प्रकाश अंबेडकर साहब की दूरदृष्टि को ये लोग नहीं समझ सकते। वो जो डिसीजन लेते हैं, वो जो उनका बात करने का स्टडी है, वो ये लोग नहीं समझ सकते, क्यों? तो वो बहुत दूरअंदेश लीडर है, बहुत दूर की सोचने वाले लीडर है। आपने देखा रहेगा युति के बारे में पिछले टाइम पे भी आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब के सामने कांग्रेस ने, MIM ने जो प्रस्ताव रखा था कि 100 सीट हमको दो और 100 सीट तुम लो, इस तरीके का कुछ भाष्य हुआ था, उस टाइम प्रकाश अंबेडकर साहब ने उसको डिनाई कर दिया था। MIM के साथ में भी जो युति टूटी थी उसका खास रीज़न वो हुआ था ऐसे कि प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो वंचित बहुजन आघाड़ी बनाई है, 300 से ज़्यादा पकड़ जातियों को लेकर बनाई है, वो समूह को लेकर बनाई है जो वंचित है सत्ता से, हर टाइप की सत्ता से, एजुकेशन से, फाइनेंस से, जो वंचित है ऐसे भटके लोगों को लेकर एक समूह बनाया और उनको कमिटमेंट दिया था कि मैं मुस्लिम समाज के लिए 25 सीट, बौद्ध समाज के लिए इतने सीट, हर समाज के लिए जो 300 समाज जो उन्होंने जोड़ा था उनको कुछ सीट का वादा किया था। और ये वादा जब हम सीट का बंटवारा उस तरीके का नहीं होता तो उनको देने में सक्षम नहीं होते। तो प्रकाश अंबेडकर साहब ने बोला था कि नहीं, हम इन सबको कमिटमेंट किया है तो उनको उतने सीट देंगे
और वो पॉसिबल नहीं हो रहा था जो कि युति होती थी। इसके लिए हालांकि साहब को ये पता था कि अगर युति होती है तो सत्ता हमारी बहुत सत्ता में हम भागीदारी ले सकते हैं, लेकिन साहब का उस टाइम पे सोच ये था कि मैंने जो वादा किया है जिन समाजों से, जो 300 समाज साहब ने जोड़ के जो वंचित बहुजन अघाड़ी बनाई है, जिनको वादा किया था, उनसे वादा न टूटे इसके लिए उन्होंने सत्ता को लात मारी और उन लोगों को वादा पूरा किया जिनको साहब ने वादा किया था। तो ये कमिटमेंट पे पक्के रहने वाले लीडर है, ऐसे लीडर के पीछे ही हमको रहना है जो अपनी बात पत्थर की लकीर बना के करते हैं। तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता था, इसके लिए साहब ने सत्ता को लात मारा, लेकिन अपने साथ जो लोग जुड़े हैं, अपने उनके विश्वास पर जो जुड़े हैं, उनका विश्वास टूटने नहीं दिया। ऐसे लीडर को अगर कोई बदनाम करता है और आरएसएस से या बीजेपी से जोड़ के बोलता है, वो तो उनको शर्म आनी चाहिए कि ये जो हालात जो बन रहे हैं आज मुसलमान समाज, इसके लिए जो बात करने वाले अगर कोई है तो वो भी प्रकाश अम्बेडकर साहब है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमानों के अल्लाह के बाद सबसे बड़े श्रद्धा स्थान हैं, उनके ऊपर कानून बनाने वाला ये वो शख्स है प्रकाश अम्बेडकर साहब, जिन्होंने वो कानून का नाम भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर बिल के नाम से दिया है। ये हिम्मत करने वाला लीडर इस महाराष्ट्र में या इस भारत देश में अभी दूसरा कोई नहीं है। तो मुसलमानों को जिस तरीके से मिसगाइड किया जा रहा है कि प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ में आरएसएस के लोग हैं या वो बीजेपी के पास झुका हुए, तो ये सरासर गलत बात है। खास करके मुस्लिम भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो जो मुसलमानों के फेवर में जो काम किया है, जिस तरीके से ये इतना बड़ा बिल जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, अगर कोई बदकलामी करता है, बेहुरमती करता है, तो उसको कानूनन सज़ा मिलनी चाहिए। ये जो सोच प्रकाश अम्बेडकर साहब की है, जो कि कानून की शक्ल में आने जा रही है, ये वो आदमी की हिम्मत है। दूसरा, एनआरसी के बारे में जिस तरीके सीएएनआरसी के बारे में जो इशू चल रहा था, उसके बारे में भी आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब ने ये बोला था, जब मुसलमान बहुत डरा हुआ था, मुसलमान को ऐसा लग रहा था कि ये कानून उनके खिलाफ बनाया जा रहा है, तो उस वक्त ये एक अकेला इंसान था जिन्होंने ये बोला कि मुसलमानों को डरने का ज़रूरत नहीं है, ये बिल आदिवासी धनगर समाज, ऐसे समाज जिनके घर भी नहीं है, जो कि बहुत बड़ा समाज है पूरे इंडिया में, पूरे भारत देश में, तो उस समाज के ऊपर पहली गदा आने वाली है, मुसलमान सेकंड में आए, तो मुसलमानों को थोड़ी हिम्मत आई उससे। तो ऐसे तकलीफ़ में, ऐसे जबकि पूरा माहौल मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा था उस वक्त, जबकि पॉलिटिकल पार्टी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी पे चलती है, ये सबको पता है, इसके लिए जितने बड़े लीडर है ये मुसलमानों का हाथ सबने छोड़ दिया उस वक्त, क्योंकि ये माइनॉरिटी कहलाते हैं मुसलमान, लेकिन उस वक्त भी माइनॉरिटी का हाथ थामने वाला यही एक शख्स था, आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब, जिन्होंने मुसलमानों के फेवर में डंके की चोट पे बात की। ऐसे कई इश्यूज है जिसके ऊपर मुसलमानों के बारे में आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब ने बोला। पीएफआई के बारे में आज मुस्लिम लीडर भी बात नहीं करते, लेकिन पीएफआई के बारे में प्रकाश अम्बेडकर साहब ने बोला कि अगरचे इनके खिलाफ जो भी सबूत है, जो भी आपको रेड करने के बाद जो एविडेंस मिले हैं, आपने पब्लिक के सामने लाना चाहिए, आपने कानून के सामने लाना चाहिए, क्यों नहीं लेकर आए, आपने राइट किया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन किस बारे में किया, वहाँ से आपको क्या क्या मिला, देशद्रोह के बारे में कुछ मिला है क्या, उनके खिलाफ कुछ मिला है क्या, ये आप पब्लिक में लाओ, ये बोलने वाले श्री प्रकाश अम्बेडकर साहब थे। ये हमको पता नहीं कि पीएफआई सही है गलत है, लेकिन अगर गलत है तो सामने लाओ, सही है तो सामने लाओ, ये बोलने की डेरी श्री प्रकाश अम्बेडकर साहब ने किया। ऐसे कई उदाहरण हैं जो मुसलमानों के फेवर में आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब ने किया। इसी तरीके से अभी भोंगे का बहुत इश्यू हुआ था, क्या नाम, मनसे का राज ठाकरे, उसने ये बात बोला था कि भोंगे उतारने पड़ेंगे, और ये मुसलमानों के द्वेष में बोला, लेकिन इसका इफेक्ट सभी धर्म के, सभी समाज के, सभी इबादत गाह पे हुई और उसको ये चीज़ रुकना पड़ा। तो इसमें भी आदरणीय सुजात अम्बेडकर साहब इन्होंने बोला था, आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब इन्होंने बोला था
कि आरती करना है करो, लेकिन अगर मस्जिद के सामने जाके करते हो तो इसका इंटेंशन ये होता है कि आप दंगा करवाना चाहते हो। उसके खिलाफ भूमिका लेने वाले श्री प्रकाश अम्बेडकर साहब थे और सुजात अम्बेडकर साहब थे। तो ऐसे जो मुसलमानों के लिए खुलेआम आके आगे आके बात करने वाले लीडर, मैं मुसलमानों से अपील करूँगा खास करके कि इन्होंने इन साजिशों को समझे कि आज बौद्ध समाज, दलित समाज और मुस्लिम समाज एक जगह आ रहा है तो इनके पैरों की जमीन निकल रही है। इसको रोकने के लिए ये वंचित बहुजन आघाड़ी के खिलाफ या प्रकाश अंबेडकर साहब के खिलाफ इन्होंने ये षड्यंत्र किया है कि इसका जोड़ बीजेपी के साथ में है, ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि ऐसे बहकावे में ना आए, आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ कंधे को कंधा लगा के खड़े रहे, क्यों तो आज हमारे साथ जो ताकत खड़े रहेंगी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको हमने ताकत देना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुसलमानों से कि बड़ी तादाद में वंचित से जुड़े और जो हमारे लिए आवाज़ उठाने वाले लीडर्स हैं उनका सपोर्ट करें। जय भीम, जय भीम, सलाम अलैकुम, खुदा हाफ़िज़।